हर एक दी अपनी तकदीर होंदी है के सारा कुछ लिखिया होंदा है। मैनू नहीं पता किथे लिखिया है सब, किसने लिखिया है। और फाइनली दोस्तों, इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर चल रही है इंडियन सिनेमा की बॉलीवुड इंडस्ट्री की आमिर खान सर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा, जो कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर दो दिन पूरी कर चुकी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस फिल्म को बायकॉट करने के बाद भी यह फिल्म शुरुआती दो दिनों में टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर चुकी है। साथ ही इस फिल्म का आज तीसरा दिन चल रहा है, आज इस फिल्म को लेकर कितनी परसेंट ऑक्युपेंसी पर खुला है बॉक्स ऑफिस, जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप भी लाल सिंह चड्ढा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बताते चले दोस्तों, कॉमेडी ड्रामा फिल्म है लाल सिंह चड्ढा, जिसे कि अद्वैत चंदन ने डायरेक्ट किया है, जबकि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है आमिर खान और करीना रॉय ने। इस फिल्म के दोस्तों लीड रोल में आपको बताते चले आमिर खान सर के अलावा करीना कपूर, नागा चैतन्य, मोना सिंह, शाहरुख खान जैसे बेहतरीन और टैलेंटेड कलाकार काम करते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म का भी दोस्तों ट्रेलर और टीजर को ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद की थी और इस फिल्म का ऑडियंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन दोस्तों इस फिल्म के बीच में कुछ कारण होने के कारण बायकॉट भी काफी जबरदस्त ऑडियंस कर रही थी। इस फिल्म को भी दोस्तों आपको बताते चले रक्षाबंधन के साथ 11 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को भी रिलीज कर दिया गया था। यह फिल्म दोस्तों आपको बताते चले हिंदी के साथ साथ तेलुगु तमिल तीन भाषा में एक साथ रिलीज हुई थी। इस फिल्म का दोस्तों बजट बताते चले 180 करोड़ बताई जा रही है, जो कि काफी हाई बजट है दोस्तों इस फिल्म का। वहीं दोस्तों अगर इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो यह फिल्म अपने फर्स्ट दिन दोस्तों हिंदी से 11 करोड़ 9 लाख रुपए की कमाई कर चुकी थी फर्स्ट दिन। वहीं तेलुगु से 5000 रुपए की ओपनिंग ले चुकी थी, वहीं तमिल से भी 5000 रुपए की ओपनिंग ले चुकी थी अपने पहले ही दिन। इस तरह से दोस्तों यह फिल्म ऑल ओवर इंडिया से 12 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन कर चुकी थी। वहीं दूसरे दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो यह फिल्म दूसरे दिन यानी कि कल हिंदी बॉक्स ऑफिस से 7 करोड़ 4 लाख रुपए की कमाई कर चुकी थी, वहीं तेलुगु से 2000 रुपए की कमाई कर चुकी थी, वहीं तमिल से 2000 रुपए की कमाई कर चुकी थी। इस तरह से यह फिल्म अपने दूसरे दिन यानी कि कल ऑल ओवर इंडिया से 7 करोड़ 44 लाख रुपए की नेट कलेक्शन कर चुकी थी। इस फिल्म का दोस्तों आज तीसरा दिन चल रहा है और इस फिल्म को लेकर भी दोस्तों ऑडियंस के बीच काफी ज्यादा क्रेज और एक्साइटेड देखी जा रही है। और यह फिल्म दोस्तों आज एडवांस से 2 करोड़ 51 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है एडवांस से। वहीं दोस्तों अगर इस फिल्म को लेकर बॉक्स ऑफिस ऑक्युपेंसी की बात करें तो मुंबई की बॉक्स ऑफिस 92% ऑक्युपेंसी पर खुला था, जबकि पुणे की बॉक्स ऑफिस 80% ऑक्युपेंसी पर खुला था, जबकि हैदराबाद की बॉक्स ऑफिस 40% ऑक्युपेंसी पर खुला था, जबकि दिल्ली की 60% ऑक्युपेंसी पर खुला था, जिससे कि लग रहा है कि यह फिल्म आज अपने तीसरे दिन 9.5 लाख रुपए की ओपनिंग ले सकती है। फाइनली दोस्तों आपको क्या लगता है, यह फिल्म अपने फर्स्ट वीकेंड में अपने बजट को रिकवर कर सकती है? आप हमें नीचे अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।